इसमें हमारा आज का विषय है बंध एवं मुद्रा। बंध एवं मुद्रा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम इस प्रायोगिक सत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम क्रम अपनाते हैं प्रार्थना का। सभी कमर सीधी कर बैठें, सहज स्थिति में मेरुदंड सीधा रखें, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं। हम इस प्रायोगिक सत्र का प्रारंभ नमस्कार मुद्रा से करेंगे। नमस्कार मुद्रा मुद्रा का अर्थ होता है, मुद्रा मुद्र धातु से बनी होती है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता। हमारे भीतर आंतरिक प्रसन्नता का विकास हो, हम भगवान से पूरी तरह से जुड़ जाएं, इस भाव से हम सर्वप्रथम प्रार्थना प्रारंभ करेंगे। नेत्र धीरे से बंद करें सहजता से। ओम आदेश्वराय प्रणमामि तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विराजते प्रोन्नत राजयोगम आरोढुमिच्छोर अधिरोहिणीव आरोढुमिच्छोर अधिरोहिणीव। मैं उस आदिश्वर को प्रणाम करती हूँ जिसके द्वारा उस हठ योग विद्या का उपदेश दिया गया है, जो विकसित होकर राजयोग के रूप में शोभायमान हो जाती है। उस स्थिति में पहुंचने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हठ योग विद्या सीढ़ी का काम करती है। आइए हम सत्र का प्रारंभ करें। सत्र के प्रारंभ से पूर्व बंध एवं मुद्रा योग की अति गुप्त एवं गोपनीय विद्या है, जिनका वर्णन हठ योगिक ग्रंथों जैसे हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ रत्नावली, गौरक्ष संहिता, इनमें बहुत ही सूत्र रूप में इनको पिरोया गया है। बंध एवं मुद्रा की सर्वप्रथम शिक्षा आदि गुरु भगवान शिव ने माँ पार्वती को देते हुए कहा, हे देवी, प्रीतिदम योगिनाम चैव दुर्लभम मरुतामपि, कि हे देवी, यह जो बंध एवं मुद्रा विद्याएं हैं, यह योगियों को आनंद देने वाली तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसी का उल्लेख घेरण संहिता के तीसरे अध्याय के पांचवें सूत्र में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि बंध एवं मुद्रा आसन एवं प्राणायाम से भी श्रेष्ठतम विद्या है। आज के इस प्रायोगिक सत्र में हम बंध एवं मुद्रा के माध्यम से सर्वप्रथम अपने आंतरिक अंगों इनर ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एवं स्नायु नर्व्स के व्यायाम की प्रक्रियाओं को अपनाएंगे। साथ ही इसका सही सैद्धांतिक ज्ञान ग्रंथों के अनुसार समझते हुए हम इसको प्रायोगिक रूप से भी करते चले जाएंगे। सर्वप्रथम बंध एवं मुद्रा प्रारंभ करने से पूर्व गुरु गोरखनाथ अपने सिद्ध सिद्धांत पद्धति, बहुत ही विस्तृत ग्रंथ है, उसमें वह लिखते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को यम एवं नियम का पालन करना चाहिए। यम अर्थात बाह्य अनुशासन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, तथा नियम आंतरिक अनुशासन, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। जब मनुष्य इनका अवलंबन अपने जीवन में उतार लेता है, तब दूसरे चरण में कहा जाता है कि इन बंध और मुद्राओं का अभ्यास करने से पूर्व शरीर की शुद्धि अनिवार्य है। इसलिए हठ प्रदीपिका में कहा गया है, धोतिर वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानी षटकर्माणि समाचरेत। यह छह कर्म शुद्धि क्रिया के लिए बताए गए हैं। इसके उपरांत आसन का क्रम आता है। जब लंबे समय तक आसन का क्रम अपनाए रखते हैं, तब शरीर में दृढ़ता आती है, स्थिरता का समावेश होता है। तदुपरांत प्राणायाम के माध्यम से नाड़ियों की शुद्धि होती चली जाती है। उसके उपरांत ही कहा गया है कि बंध एवं मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर पूरी तरह से दृढ़ और स्थिर हो गया है, प्राणायाम से नाड़ियाँ शुद्ध हो गई है, तब बंध एवं मुद्रा से उस जो ऊपर उठ रही ऊर्जा को बांध कर
उसे सही दिशा में नियोजित करने के लिए मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। सर्वप्रथम हम इसके महत्व के बारे में भी जान लें कि मुद्रा एवं बंध का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे आंतरिक अंगों की मालिश होती है। जिस भी अंग अवयव में दूषित रक्त जमा हो गया है, जब हम आकुंचन और प्रकुंचन की क्रिया अपनाते हैं तो वह दूषित रक्त जो जमा हो गया है वह दूर हटकर उसकी जगह शुद्ध रक्त स्थापित हो जाता है। साथ ही जो दूषित ऊर्जा जमा हो गया है उसका, वह भी आकुंचन प्रकुंचन के कारण दूषित ऊर्जा का जो रुकावट है वह भी दूर होकर शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध ऊर्जा वहाँ पर स्थापित हो जाती है। साथ ही शरीर में स्फूर्ति का वास होता है। आज जो COVID-19 के दौर में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना, तो इस सत्र के अंतर्गत आप अपनी मुद्रा के माध्यम से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं वह भी बतलाया जाएगा। जब हम मुद्रा एवं बंध का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर मानसिक स्थिरता का वास होता है, शरीर में कांति और तेजस्विता का विकास होता है, नस नाड़ियाँ सुचारू रूप से कार्य करती है जिससे हमारा शरीर, मन, बुद्धि सभी स्वस्थ निर्मल होते चले जाते हैं तथा आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है। तो आइए हम सर्वप्रथम बंध के बारे में जाने। बंध ग्रंथों में किस प्रकार से बतलाया गया है? बंध का अर्थ होता है बांधना, संकोच करना या रोकना। इस क्रिया द्वारा शरीर के किसी अंग विशेष को बांधकर वहां से जो आने जाने वाली संवेदनाएं हैं उनको रोककर लक्ष्य विशेष की ओर भेजना बंध कहलाता है। बंध हठ योगिक ग्रंथों में तीन प्रकार के बतलाए गए हैं। सबसे जो मूल भाग है वहाँ पर मूल बंध लगाया जाता है, मध्य में पेट के उदर भाग में उड्यान बंध तथा कंठ में जालंधर बंध का प्रयोग किया जाता है। एक चौथे बंध की भी व्याख्या की गई है। जब तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं तो हम उसे महाबंध कहते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम मूल बंध का अभ्यास करें। सहज स्थिति में मेरुदंड सीधा कर बैठें, दोनों हाथ घुटने पर रखें। जो पहले से ही योगाभ्यास कर चुके हैं वह पद्मासन, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में भी बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम अपने बाएं पैर की एड़ी को दाएं गुदामूल के पास रखें तथा दाहिने पैर की एड़ी को बाएं एड़ी के ऊपर रखें। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। आपका मेरुदंड पूरी तरह से सीधा रहे ताकि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर होता रहे। मूल शब्द का अर्थ होता है तल। नीचे की ओर रहने वाला जो आधारभूत तल है उसे बांधे रखना मूल बंध कहलाता है। मूल बंध के अभ्यास से पूर्व हमें सर्वप्रथम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अश्विनी मुद्रा अश्व से बनी है, घोड़ा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सहज स्थिति में बैठें और अपने लंबी गहरी श्वास के साथ गुदामूल को बार बार संकुचित करना है, प्रसारित करना है। चाहे आइए इस क्रम को हम करें। लंबी गहरी श्वास लें, गुदामूल को संकुचित करें, प्रसारित करें, संकुचित करें, प्रसारित करें, संकुचित करें, प्रसारित करें। कम से कम यह आपको 5 से 7 बार एक ही बार करना है। इसे आप जब आपका अश्विनी मुद्रा का पूरी तरह से अभ्यास हो जाए तब दूसरे क्रम में हम आते हैं वज्रोणी मुद्रा। वज्रोणी मुद्रा अर्थात हमारा जो लिंग मूल है, मुतेंद्रिय मार्ग है, उसको संकुचित करना और विस्तारित करना। आइए हम इस क्रिया को भी संपन्न करें। धीरे धीरे लिंग द्वार को, मुतेंद्रिय मार्ग को संकुचित करें, प्रसारित करें, संकुचित करें, प्रसारित करें, संकुचित करें, प्रसारित करें, धीरे इसे छोड़ दें। अब हम आते हैं तीसरे चरण में मूल बंध पर। मूल बंध अश्विनी मुद्रा तथा वज्रोणी मुद्रा इन दोनों का संयोग है। हम सर्वप्रथम गुदामूल को लंबी गहरी श्वास के साथ ऊपर की ओर बांधें, साथ ही वज्रोणी मुद्रा अर्थात लिंग मूल को, मुतेंद्र मार्ग को भी हम बांध कर रखें।
इन दोनों को बांधकर थोड़ी स्थिति में अपने जितना आप रोक सकते हैं उस अवस्था में रुके रहें। इन दोनों का संयोग मूलबंध कहलाता है। भाव करें कि जिस बिंदु पर संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है वह हमारा मूल भाग है, उस बिंदु पर थोड़ी देर रुके रहें। भाव करें कि वहाँ पर दिव्य ऊर्जा विस्तारित हो रही है, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर उठ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव 1976 की अखंड ज्योति में भी लिखते हैं कि अध्यात्म जिंदगी का शीर्षासन है, इसमें उल्टी गंगा आपको बहानी होती है, अर्थात आपको मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा करनी होती है। कहा भी गया है कि इन बंधों का अभ्यास गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, क्योंकि इनका सीधा उपयोग कुंडलिनी जागरण के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। तो कब करना चाहिए? कम से कम 5 से 10 आवृत्ति आप इसकी प्रातः एवं सायं खाली पेट आपको इसे करना है। यदि आवश्यक है तो आप इसे 3 समय भी कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में आधे से 1 मिनट तक करें। एकांत में यत्नपूर्वक अभ्यास करें, मौन व्रत का पालन करें। किन्हें नहीं करना चाहिए? जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्याएं हैं कृपया वो इसे बिल्कुल ना करें। फिस्चुला रोग में इसे बिल्कुल ना करें। अब लाभ क्या है इनके? जब हम मूल बंध लगाते हैं तो सर्वप्रथम हमारा जो मलावरोध है वह दूर होते हैं, बवासीर जो यूरिनरी डिसीज है वह दूर होती है, ब्रह्मचर्य पालन करने में सहायता मिलती है, हमारे भीतर से आनंद उत्साह दूर होता है और वृद्धावस्था भी दूर होती चली जाती है। इस प्रकार मूल बंध का बहुत अधिक लाभ बताया गया है। अगले क्रम के हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्रम है हमारा उड्यान बंध। उड्यान बंध से पूर्व आइए हम अग्निसार की क्रिया प्रारंभ करें। सहज स्थिति में मेरुदंड सीधा कर कर बैठें। आप इसे बैठकर और खड़े होकर दोनों स्थिति में सहजतापूर्वक कर सकते हैं। मेरुदंड सीधा करके दोनों हाथों को घुटने पर रखें। लंबी गहरी श्वास लें। श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालें। तीव्रता से पेट को आपको अंदर बाहर करना है, जैसा कि चित्र में भी दिखलाया गया है पीपीटी के माध्यम से। यथाशक्ति आपको शीघ्रता से पेट को अंदर बाहर करना है, जितना आप कर सकते हैं। कम से कम 5 से 7 बार आपको इसको एक ही बार में करना है। जब अग्निसार का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाता है तदुपरांत ही उड्यान बंध का अभ्यास प्रारंभ करें। प्रयत्न विशेष नाभि प्रदेशस्य पृष्ठतः आकर्षण उड्यान बंध किस प्रकार करें? सर्वप्रथम अपने नाभि के ऊपर 4 अंगुल ऊपर तथा 4 अंगुल नीचे अपने उदर भाग को नाप लें। अब पेट उदर की मांसपेशियों को भीतर की ओर खींचिए और अपने नाभि क्षेत्र को मेरुदंड से सटा लीजिए। यथाशक्ति थोड़ी देर रुकें, जितना आप सहजतापूर्वक रुक सकते हैं, जैसा कि पीपीटी के माध्यम से दर्शाया गया है। धीरे से वापस अपनी सहज अवस्था में आ जाएं। हट प्रदीपिका तथा घेरंड संहिता 3रे अध्याय के 56 तथा 10वें सूत्र में भी इसकी व्याख्या की गई है। उदरे पश्चितम तानम नाभे रुद्ध च कार्येत उड्यानो हासो बंधु मृत्यु मातंग केसरी। जब हम उड्यान बंध का अभ्यास करते हैं तो यह मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। आइए हम पुनः इस क्रिया को फिर से दोहराएं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरी तरह से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब घुटनों पर अपने हाथों का प्रेशर डालिए, कंधे थोड़े से ऊंचे रहे, पेट को अंदर खींचिए ऊपर की तरफ, नाभि को ऊपर मेरुदंड से सटा दीजिए। यथाशक्ति रोके रहिए। धीरे से वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। कब करें इसे? प्रातः एवं सायं खाली पेट ही आप इसे करें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। एक बार में कम से कम 3 आवृत्तियों से इसे प्रारंभ करें, उसके उपरांत आप इसे बढ़ा भी सकते हैं अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार। जब हम
उड्यान बंध का अभ्यास करते हैं तो उड्यान बंध सर्वप्रथम उदर की मांसपेशियों का व्यायाम है। अग्निसार क्रिया के आकुंचन प्रकुंचन से जब वहाँ मल का जो अवरोध है, जो दूषित ऊर्जा इकट्ठी हो गई या दूषित रक्त इकट्ठा हो गया है, वह धीरे धीरे वहाँ से हटने लगता है और शुद्ध रक्त शुद्ध ऊर्जा वहाँ पर एकत्रित होने लगती है। तदुपरांत उड्यान बंध के अभ्यास से पाचन संस्थान के जो अंग अवयव हैं पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं, पाचन शक्ति तीव्र होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मानसिक शारीरिक आत्मबल बढ़ता है, जिन्हें कब्ज की शिकायत है वह भी दूर होता है, अजीर्ण तथा एसिडिटी आदि जैसे रोगों में भी यह लाभकारी है। साथ ही जिन्हें ओबेसिटी अर्थात मोटापे की समस्या है, पहले वह अग्निसार क्रिया करें तदुपरांत ही उड्यान बंध का अभ्यास करें। आइए हम अगले क्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है जालंधर बंध। जाल का अर्थ होता है मस्तिष्क ग्रीवागत नाड़ियों का समूह और धर का अर्थ है ऊपरी खिंचा, अर्थात मस्तिष्क नाड़ीगत समूह का ऊपरी खिंचाव को बांधना जालंधर बंध कहलाता है। योगी गण अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि ब्रह्मरंध से अमृत सदैव टपकता रहता है जो नाभि में जाकर क्षीण होता रहता है, लेकिन जब हम जालंधर बंध लगाकर उसे रोक देते हैं तो वह अमृत हमें प्राप्त होता है और हमारे शरीर में स्फूर्ति और उत्साह बना रहता है। आइए इसकी प्रक्रिया को अपनाएं। सर्वप्रथम मेरुदंड सीधा करके सहज स्थिति में बैठें। जो पूर्व अभ्यासी हैं वे पद्मासन, सिद्धासन या सिद्ध योनि आसन में भी बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे से अपने सिर को झुकाइए, ठोड़ी को हृदय के पास कंठकूप में लगाकर रखें, यथाशक्ति रोकें जितनी देर आप रोक सकते हैं। धीरे से नाक से श्वास बाहर निकालते हुए वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह जालंधर बंध कहलाता है। जालंधर बंध को कुंभक के समय ही करना चाहिए, चाहे आप बाह्य कुंभक कर रहे हो चाहे आप आंतरिक कुंभक कर रहे हो। जब कहा भी गया है हट प्रदीपिका में, कंठ माकुंच हृदय स्थापियो चिपकम दृढ़म बंधो जालंधराख्युदम जरा मृत्यु विनाशक। कंठ को संकुचित कर हृदय में चुबुक को दृढ़ता पूर्वक लगाने से बुढ़ापा और मृत्यु दूर होती है। और यह गले की कहा जाता है कि गले से ही सारी नसनाड़ियां मस्तिष्क में पहुंचती है। तब जब हम जालंधर बंध का अभ्यास करते हैं तब सारी नसनाड़ियों में संवेदनाएं उत्पन्न होती है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है एक्टिवेट होता है, संवेदनाएं में जो उत्तन नाड़ी संस्थान पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, जो उत्तेजना उत्पन्न होती है वह पूरी तरह से शांत हो जाती है, साथ ही जो बीटा किरणें निकल रही थी वह अल्फा तरंगों में रूपांतरित होती है और हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शांत स्थिर हो जाता है, ऊर्जा पूरी तरह से ऊपर उठने लगती है और अब मुद्रा के द्वारा हम उसको सही दिशा देते हैं। तो आइए अगला क्रम हम मुद्राओं का करते हैं। इसके लाभ भी हैं कि गले से संबंधित थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है, गले की समस्त बीमारियां जैसे खांसी टॉन्सिल सभी दूर होते हैं, सभी रोग इससे दूर होते हैं।